Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Manasa Devi. बेहुला के प्रण और समर्पण ने उन्हें वैतरणी नदी के तट तक पहुंचा दिया। अद्भुत। स्वामी, अब हम इस वैतरणी नदी को पार करके यमलोक में प्रवेश करेंगे। यमलोक में प्रवेश करेंगे स्वामी। स्वामी, स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र स्वामी? महादेव ने अवश्य आपकी सहायता की होगी, मेरे पुत्र को मुझे लौटा दिया होगा। बोलिए ना स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र? मेरे महादेव कभी हमें निराश नहीं करेंगे। मेरी भक्ति की शक्ति अब भी मेरे साथ है। वो हमारे पुत्र को यमलोक से भी छीन लाएगी। सबको खोकर भी आपको संतोष नहीं मिला ना स्वामी। आपका अहंकार नहीं मिटा। अब इस समय स्वामी, मान लीजिए, देवी मनसा का नाम ले लीजिए, उनकी पूजा कीजिए स्वामी, उनकी पूजा कीजिए। जय मां मनसा देवी, जय मां मनसा। छोटे से छोटे पाप करने वाले का भी हार्ड मास सब घुल जाता है वैतरणी में, किंतु गोदान और गो सेवा करने वालों को इसकी कोई चिंता नहीं। गौ माता में तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। नर्क समान भयंकर संकटों से भरे 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? वैतरणी और 16 यमपुर पार कर लिए मैं, किंतु अब तक यमलोक के द्वार क्यों नहीं पहुंच पाई? कहां हूं मैं?
लखिंदर का शरीर लेकर बिहुला का ये सीढ़ियों पर चढ़ना सरल नहीं होगा। प्रायश्चित सच्चा हो तभी यातना शरीर इन सीढ़ियों पर चढ़ पाता है। यदि अपनी देवी माँ मनसा पर बिहुला का विश्वास सच्चा है और अपने पति के प्राण लौटाने के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा है तो वो इन सीढ़ियों पर अवश्य चढ़ सकेंगी। हे विघ्नहर्ता गणेश, इन विघ्नों में मुझे दिलाने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं यहाँ तक आपकी शक्ति से पहुंची हूँ माँ, मुझे शक्ति दो माँ, मुझे बल दो माँ। जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी। जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी। किंतु दीदी, मनसा के गहन ध्यान से उन्हें कैसे उठाएं हम? पुत्री मनसा की कृपा से बिहुला यमद्वार पर है, शीघ्र ही देवलोक भी पहुंच जाएगी। किंतु पुत्री मनसा तो अभी भी ध्यान में है। राज से अनुमति लेकर यमलोक पार कर तुम देवलोक में देव सभा की ओर आगे बढ़ सकोगे। हे यमदेव, हे धर्मराज, मुझ पर कृपा करें, मुझे यमलोक में अंदर आने की अनुमति प्रदान करें, सहायता कीजिए धर्मराज। मुझे मेरे स्वामी के प्राणों के लिए देवलोक में आयोजित देव सभा में आने की अनुमति प्रदान कर दीजिए धर्मराज। सदेह यहाँ आकर बिहुला ने यमलोक की मर्यादा भंग की है, भूल की है इसने। मैं उसे यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता और ना ही उन्हें देवलोक जाने की आज्ञा दे सकता हूँ। दीदी मनसा, देवलोक कैसे जाएंगी? उसके लिए उन्हें कैसे मनाऊंगा? इसका कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है मुझे। और अब यदि यमदेव ने बिहुला को आगे नहीं जाने दिया तो दीदी मनसा का क्रोध कहीं यमलोक को भस्म ही ना कर दे। द्वार खोलिए, इतने निष्ठुर मत बनिए धर्मराज। नहीं, उसकी प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जाओ, कह दो उसे कि लौट जाए यहां से। हे पार्वती नंदन, पुत्री मनसा का क्रोध मैं पहली बार देख रही हूँ। यमलोक पर कोई क्रोध बरसे उससे पहले आप ही इसे रोकने का कोई उपाय कीजिए। रक्षा करनी है, कहीं देवलोक पहुंचने में मुझे देर न हो जाए धर्मराज।
मुझे मेरे स्वामी की रक्षा करनी है। उचित है आप यदि अनुमति नहीं देंगे तो मैं जीवन भर इसी द्वार के सामने गुहार लगाती रहूंगी। आप सुन रहे हैं धर्मराज, मैं यही गुहार लगाती रहूंगी। मेरी विनती सुन लीजिए धर्मराज। देव सभा आरंभ होने में अधिक समय नहीं है, विलंब हो रहा है मुझे। जाओ उसे कह दो कि यहां से लौट जाए। यमदेव बेहुला की गुहार को नकार नहीं सकते, उन्हें यमलोक का द्वार खोलना ही होगा। बेहुला की निष्ठा और समर्पण का ये फल, इतनी बाधाएं और कठिनाइयों को पार कर वो यहां तक पहुंची है। यदि यमदेव बेहुला की गुहार को नहीं सुनेंगे तो संपूर्ण यमलोक को नागों का दंश सहना होगा। सर्वनाश होगा यमलोक का, सर्वनाश होगा यमलोक का। सर्पराज तक्षक, नागराज वासुकी, ये दोनों क्रोधित क्यों हैं? मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हे गणेश जी, पुत्री मनसा का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कीजिए, अन्यथा एक ओर पुत्री मनसा का क्रोध होगा और दूसरी ओर स्वयं यमराज उसके भीषण परिणाम की कल्पना भी नहीं कर सकती मैं। यमलोक पर नागों का आक्रमण क्यों हो रहा है? क्या हुआ धर्मराज, चिंता में क्यों हैं आप? प्रभु, प्रणाम प्रभु। चिंता नहीं, दुविधा है पार्वती नंदन। जो शक्तिशाली स्त्री यमलोक के द्वार पर भीतर आने के लिए गुहार लगा रही है, मैं उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकता प्रभु। क्यों नहीं दे सकते अनुमति? मैं जानता हूँ बेहुला है वो जिन्हें स्वयं दीदी मनसा का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रथम पूज्य आप तो जानते हैं, मृत्यु लोक के वासियों का सदैव यमलोक पर प्रवेश करना नियमों के विरुद्ध है। नियमों के विरुद्ध है, सत्य कहा आपने यमदेव। फिर पांडु पुत्र युधिष्ठिर को देवलोक तक जाने की अनुमति कैसे मिल गई थी? क्योंकि उन्हें धर्मराज की उपाधि प्राप्त थी। हाँ, उचित कहा आपने, वो तो धर्मराज थे, किंतु देवी सावित्री, उनके पति के तो आपने प्राण भी लौटाए थे। क्योंकि सावित्री ने परीक्षा दी थी, मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर देने के बाद ही उन्हें यमलोक में प्रवेश मिला था। उचित है, तो आप बिहुला की भी परीक्षा ले लीजिए, पूछ लीजिए प्रश्न, यदि वो उत्तीर्ण हुई तो ही आप उन्हें अनुमति दीजिएगा। परीक्षा तो तब होगी उसकी जब वो मेरे दर्शन पाने के योग्य होगी प्रभु। उसके लिए क्या पर्याप्त पुण्य है बिहुला के पास? अब विलंब न कीजिए धर्मराज, अन्यथा मेरे भी प्राण हार लीजिए। द्वार खोलिए धर्मराज, द्वार खोलिए। Thank you.
दर्शन पाने में ही असमर्थ है, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर भला कैसे देगी? सूर्य देव के समान तेज, चंद्रदेव के समान धवल कांति, देवराज इंद्र के समान शौर्य, हे धर्मराज, मेरी कल्पना के विपरीत है आपका रूप। अर्थात तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं बेहुला, तुम मुझे देख पा रही हो। आपकी कृपा है प्रभु, जैसा सुना जैसी कल्पना की, उससे सर्वथा भिन्न भय ने अभय देने वाला है आपका स्वरूप। मेरा भयंकर स्वरूप पापी आत्माओं को दिखाई देता है, पुण्य आत्माओं को नहीं। अर्थात आपके अनुसार मेरे पास कुछ संचित पुण्य है। यदि ऐसा है तो मुझे यमलोक पार कर देवलोक पहुंचने की अनुमति दीजिए प्रभु। ठहरो, द्वार खुलने का मेरे दर्शन प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं कि तुम आगे बढ़ सकती हो। यदि आगे बढ़ना है तो उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी पुत्री। परीक्षा? कैसी परीक्षा प्रभु? जिस प्रकार माता सावित्री अपने पति के प्राणों के लिए मेरे पास आई थी, वैसे ही तुम भी आई हो, तो उनके ही समान मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर देकर तुम्हें भी मुझे संतुष्ट करना होगा। परीक्षा जो भी हो, मैं प्रस्तुत हूं। यदि मैं सफल ना हो पाई तो मैं आपको वचन देती हूं, बिना कुछ कहे यहां से वापस लौट जाऊंगी। मेरे पति मेरे लिए सर्वस्व है, उनके लिए मुझे प्राण भी निछावर करने पड़े तो मैं अवश्य करूंगी। विघ्नहर्ता ने मेरे विघ्न हरे, मां मनसा ने मुझे बल दिया, शक्ति प्रदान की, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। इसलिए आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं अवश्य पूछिए धर्मराज। तो बताओ पुत्री, तुम अपने पति को पुनः जीवित क्यों देखना चाहती हो? क्योंकि विवाह के फेरों के साथ साथ वचन भी लिया है हमने, जीवन के उतार चढ़ाव में ही नहीं अपितु कर्म धर्म इन सब में भागीदार बनना है हमें। कोई अनुष्ठान हो या मेरा जीवन है, इनके बिना तो सब अपूर्ण है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, और इन सब से अधिक मुझे अपने पति से प्रेम है, और उन्हें जीवित देखने के लिए इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है धर्मराज? प्रेम है तुम्हें, ये कहा तुमने, तो बताओ मुझे
सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? सच्चा प्रेम तो ईश्वर के समान होता है, जो दिखाई नहीं देता किंतु अपना आभास अवश्य करा जाता है। जो स्वयं से प्रेम करने में सक्षम हो, वो ही ईश्वर से, सृष्टि से प्रेम कर सकता है, और इसी निस्वार्थ प्रेम से मुक्ति का मार्ग खुलता है। अच्छा, तो फिर मुक्ति क्या है? सारी चिंताओं से मुक्त होकर, सभी विकारों को दूर कर ईश्वर में लीन होना ही वास्तविक अर्थ में मुक्ति है। तो बताओ, ईश्वर क्या है? उनका स्वरूप क्या है? प्रभु, तो क्या वो शिव है जिसमें तुम्हारे पति और श्वशुर की आस्था है, या शक्ति है जिनमें तुम्हारे माता पिता का विश्वास है, या फिर देवी मनसा जिनके प्रति तुम्हारी अटूट श्रद्धा है? ये प्रश्न तो बहुत जटिल है। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण और ज्ञान व्यक्ति को किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।